दोस्तों यहाँ पर हम पैंट कटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लें इसका नाप। दोस्तों इसकी जो लेंथ है वह 38 इंच है, कमर है वो यहाँ पर 35 इंच है, हिप है वो 38 है, थाई 24 है, मोहरी 13 इंच है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम कटिंग करेंगे ज़्यादा राउंड वाली स्केल से, ठीक है, इस वाली से नहीं करेंगे। जिन लोगों के पास ये वाली स्केल है ना, तो आज उनके लिए मैं कुछ आसान करने वाला हूँ कि जो इनके पास ये वाली स्केल है वो इससे ही कटिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ये वाली जो हमारी शेप फंटी है वो नीचे से बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सेम है, बस ऊपर से जो इसका राउंड ज्यादा है। तो आज हम बताएंगे आप कैसे कटिंग करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इस तरीके से लगाएंगे एक निशान कपड़े को सीधा करने के लिए, और एक निशान लगाएंगे ऐसे, इस तरीके से निशान लगा दिए। निशान लगाने के बाद में दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 38 इंच, ठीक है, 38। तो हम 1 इंच निकालेंगे ऊपर, ये इसलिए निकालते हैं कि हमारा बेल्ट लग जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम 38 पे निशान लगा देंगे और 2.5 इंच यहाँ पर ले लेंगे, यानी 2.5 इंच, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम लटक की। तो दोस्तों लटक यहाँ पर हम बताएंगे आपको दो तरीके से निकालना। यहाँ पर दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 38 और जो इसकी हिप है वो भी 38 है, ठीक है, यानी कि 38 इंच। तो हम हिप के अकॉर्डिंग और लंबाई के अकॉर्डिंग आपको दोनों निकालना बताएंगे, सबसे बेहतर तरीका कौन सा रहता है वो भी बताएंगे। तो दोस्तों हम लंबाई के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो होता है इसका 1/4 हिस्सा 9.5 इंच, ठीक है, ये आ गया। तो अगर हम निकालते हैं हिप के अकॉर्डिंग, तो हिप भी इसकी 38 है तो भी आ रहा है यहाँ पर 9.5। मान लो इसकी जो क्या नाम है लंबाई होती 39 इंच और हिप होती 38 इंच, तो इसमें आया था 2 सूत का फर्क, ठीक है। तो 2 सूत हम आप जब भी लंबाई के अकॉर्डिंग निकालें तो आप आधा इंच से 2 सूत कम कर दें। वैसे जो सबसे बेहतर तरीका है वो हिप का आप 4 भाग करें और निशान लगा दें। अब दोस्तों यहां पर हमने लगा दिया 9.5 इंच पे, और एक निशान थोड़ा आगे बढ़ा के और लगा देंगे 9.5 पे, और इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों यहां पर इसकी जो कमर है वो है 35 यानी 35 इंच। अब दोस्तों यहां से लेंगे हम पॉकेट का लेंथ, तो लेंगे हम 7.5, और इसका जो फैलाव लेंगे दोस्तों वो लेंगे हम इस तरीके से कि हमें अपनी स्केल को 3.5 इंच आगे निकाल के और बाकी का राउंड रख देना है इस तरह। अब दोस्तों रखने के बाद में यहां से पॉकेट का जो फैलाव लेंगे दोस्तों वो लेंगे हम 2.5 इंच, और इसको इस तरीके से निशान लगा देंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना। उसके बाद दोस्तों यहां पर हमारी जो क्या नाम है इसकी जो कमर है, तो हम किस हिसाब से रखेंगे, 1/2 इंच का लेंगे सिलाई मार्जिन, कमर है 35, तो इस पे हो गया। तो दोस्तों 35 का 4 भाग हो गया कितना, यहां पर हो गया 9.5 इंच, ठीक है। तो 9.5 इंच पे यहां निशान लगा देंगे, उसके बाद लेंगे सिलाई मार्जिन, ठीक है, और इसको बिल्कुल यहां पर सीधा करके रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अगर दोस्तों आप थाई नापना नहीं चाहते, जैसे इसकी थाई है कितनी 24 इंच, ठीक है, अगर आप थाई इसकी नापना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरीके से निशान लगाएं और यहां पर इस प्रकार एक निशान लगा दें फलाई का आगे के लिए 1/2 इंच का। अब दोस्तों आप यहां पर देखेंगे ना, तो यहां पर आया ये यहां पर, तो यहां पर आ गया 1/11 इंच, यानी 23.5 ज़्यादा फर्क नहीं आता। और आप इस तरीके से यहाँ पर गोलाई दे दें, गोलाई देने के बाद में यहाँ पर 1/2 इंच अपने सामने को करेंगे डाउन इस प्रकार, और यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा दें, ठीक है। दोस्तों ये थाई जो है जो 23.5 इंच बिल्कुल एकदम फिटिंग की पैंट के लिए बेहतरीन है। अगर आप हल्का सा लूज चाहते हैं तो आप यहाँ पर 24 इंच कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कितना लिया, देखो इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर है 23.5 का हाफ हो गया 11.5, 11.5 का हाफ हो गया 6 इंच में 1 सूत कम, ठीक है। अब यहाँ से हम नापेंगे इस तरीके से, तो कितना हो गया यहाँ पर 6 इंच में 1 सूत कम। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये निशान क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा इतनी दूरी पर यहाँ पर ये वाला निशान लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से भी हम रखेंगे 6 इंच में 1 सूत कम इस तरीके से, सेंटर का निशान है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके लगाएंगे एक निशान इस तरीके से लेंथ वाला, दूसरा मार्जिन का, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों यहां पर हमने ये निशान लगाया सेंटर वाला, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हमारी जो बॉटम है वो है कितना 13 इंच। अब हमारा सेंटर का निशान आ गया ये।
अब यहां से हम 13 का करेंगे 4 भाग, तो दोस्तों यहां पर हो गया 3.25 इंच, यहां पर हो गया 3.25 इंच निशान लगा दो, तो यहां पर हो गया 6.5 इंच। ठीक है, अब यहां से आप नापेंगे तो 3.25 आएगा। ठीक है, 3.25 इधर 3.25 इधर पूरी लेंथ नापेंगे तो ये हो गया 6.5 इंच। तो ये वाला आ गया। अब दोस्तों बात आती है ज्यादा शेप वाली फंटी की। ठीक है, तो आप इस तरीके से पलटेंगे फंटी को, इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से पलटना है और नीचे से मिलाना है स्केल को। देखो ये वाली स्केल होती है तो हम मिलाते हैं ऊपर की साइड से, देखो यहां से मिलाते हैं। ठीक है, इस जगह से मिलाते हैं। मगर जब हमारी ज्यादा राउंड वाली स्केल है, जिन लोगों को स्केल नहीं मिल रही है, काफी लोग परेशान है, तो वो लोग यहाँ नीचे से मिलाएं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो राउंड ज्यादा है ना वो आगे निकल गया, देखो ये निकल गया आगे, तो हम इससे निशान इस तरीके से लगा सकते हैं। आपको इसमें भी घुटना नापने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ये मैंने देखा है काफी लोग घुटना नापते हैं। ठीक है, और हमारी तरफ बरेली में बहुत से टेलर ऐसे हैं जो घुटना कभी भी नहीं नापते। तो दोस्तों इस तरीके से यहां पर हम निशान लगा देंगे, ये हो गया। अब हल्का से लेंगे यहां पर क्रास। ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों यहां पर देखिए शेप इसका कितना बेहतरीन है। ठीक है, आप इस स्केल से भी कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ निशान लग चुके हैं, अब इसकी हम करेंगे कटिंग। यहाँ पर कटिंग कर ली है, यहाँ लगाएंगे एक कट यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ये कट वो वाला है जो बॉटम फोल्ड करेंगे नीचे की साइड में। एक कट हम यहाँ लगाएंगे, आधा इंच गहरा एक कट लगाएंगे हम यहाँ पर, जहाँ पर हमारा मुंह फोल्ड होगा इसका। हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक चीज़ रह गई, मैं बता दूँ कि हम फ्लाई कहाँ से अटैच करेंगे। दोस्तों इस लटक से हम नीचे करेंगे 2.25 इंच। ठीक है, इससे भी ज़्यादा हैवी साइज होता ना, तो हम करते हैं यहाँ पर 2.5 इंच एक कट यहाँ लगा देंगे, जहाँ से हमारी फ्लाई अटैच होगी इस जगह से। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए अपना सामना बिछा दिया है बैक कटिंग करने के लिए। जब आप बैक कटिंग करें ना, तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखा दूँ नाप के कितना है। ठीक है, तो यहाँ से नाप के दिख रहे हैं अपने सामने से, यहाँ पर हमने रखा है 3.5 इंच। आप 3.5 से 4 इंच तक यहाँ पर कपड़ा ले सकते हैं बैक कटिंग करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगाएंगे निशान लेंथ वाला। अब आ जाइए थाई पे, यहाँ लेंगे हम थाई पे इस तरीके से लटक वाला निशान लगाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम अपने सामने से, देखो ये है हमारा सामना। ठीक है, हम यहां पर अपनी बैग जो उठाएंगे वो उठाएंगे 2.25 इंच इस तरीके से। दोस्तों मैं आपको यहां पर बहुत डिटेल में चीज बता रहा हूं ना, आप बड़े आराम से देखिएगा। आप कभी भी सामना जब बैग उठाए ना, तो अपने सामने से ही नापें, यानी कि यहां नाप लिया या आगे जाके नाप लिया, बिल्कुल जहां पर सामना हमारा एंड हुआ है वहां से ही नापें। ठीक है, अपनी बैग को। अब दोस्तों आ जाइए बॉटम पे। दोस्तों बॉटम हम जो अपनी बैग कटिंग करेंगे ना, सामने तो रखेंगे 2.25 इंच, आपका कोई सा भी साइज हो आपको 2.25 इंच रखना है। फिटिंग के पेंट में आप रखेंगे यहाँ पर अपने सामने से बैग में 2.25 इंच। ठीक है, इस तरीके से। अब आप लेंगे यहाँ पर ये स्केल, और स्केल इस तरीके से रखेंगे, देख लीजिए आप स्केल में किस तरीके से रख रहा हूँ, वैसे ही आपको कटिंग करना है। कहीं आप उल्टी सीधी स्केल लग दें और आपकी पैंट खराब हो जाए, आप बात को बोलें। दोस्तों इस तरीके से हमें स्केल रखना है और निशान लगा देना है, हल्का सा यहाँ पर क्रास करेंगे इस प्रकार। अब दोस्तों क्रास करने के बाद, अब दोस्तों जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना बैग पल्ले में, तो इसे हम काटेंगे नहीं, इसको हमें लेना है, इसलिए कि कभी भी हमारे यहाँ पर लटक कम हो जाए या हमारी थाई टाइट हो जाए तो यहाँ पर ये इससे हम ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमने निशान लगा दिए। अब दोस्तों आ जाइए यहाँ पर, यहाँ से हम लेंगे सिलाई मार्जिन। ठीक है, ये हमारा सिलाई मार्जिन, जितना भी आप लेते हो उतना ही निशान लगाएं। अगर आधा इंच से एक सूत कम लेते हैं, आधा इंच से एक सूत कम ही होता है सिलाई मार्जिन, अगर आप आधा इंच से एक सूत कम लेते हैं तो उतना ही लगाएं, अगर आधा इंच का लेते हैं तो आधा इंच लगाएं। ठीक है, क्योंकि हमारी पैंट सही बैठे। दोस्तों 35 इसकी जो कमर है वो है 35 इंच, यानी 35। इसका करेंगे हम 4 भाग। दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनसे 4 भाग करना नहीं आता, जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो आज मैं उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों देखिए जैसे कि ये है 35 इंच, ये आ गया। अब इसका भाई दोस्तों इस तरीके से कर लें आप, 35 इंच पर रख लें चीटे, आपको डबल कर लें।
ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद जो इसका हाफ हुआ, ठीक है, 35 का हाफ, तो यहां पर हो गया इस तरीके से, तो इसको डबल कर लें। अब दोस्तों यहां पर देखो ये आ गया 9.25 इंच, ठीक है, तो 9.25 इंच ही आता 35 का 4 भाग, तो 9.25 इंच पे हम यहां इस तरीके से निशान लगा दें। उसके बाद में 1 इंच लें पीछे प्लेट के लिए, बैक पल्ले में पड़ती है। उसके बाद हम 2.5 इंच लेंगे सीट जुड़ाई के लिए, आप 2.25 भी ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम यहां पर हिप की, तो हिप का यहां लगाएंगे सिलाई मार्जिन, हिप है 38 इंच, 38 का 4 भाग करेंगे, हो गया 9.5 इंच, तो इस तरीके से निशान लगा देंगे। तो हमने यहां पर 9.5 रख दिया, ठीक है, हिप का 4 भाग, 1/2 इंच लेंगे यहां पर हम लूजिंग देंगे, ठीक है, 1/2 इंच की, और इस तरीके से लगा देंगे निशान, ये देखिए, ठीक है। तो यहां पर निशान लगाने के बाद इस तरीके से हम यहां पर एक निशान और लगाएंगे गोलाई का, आपको परफेक्ट गोलाई देना है। उसके बाद यहां से आप कटिंग करेंगे 2.5 इंच से, तो हमारा ये सामना है, तो ये वाली चीज सामना यहां पर स्केल में लाएंगे अपनी इस तरीके से, और 1/2 बीच तक निशान लगाएंगे, ठीक है, नीचे तक नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद यहां पर हमें देखो इस निशान से 0.25 इंच ऊपर लेना है, इस तरीके से रखना है चौक को अपने, और इस तरीके से इसको यहां तक मिला देना है। दोस्तों यहां पर हमारे निशान लग चुके हैं, इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। तो यहां पर लगाएंगे एक कट, ठीक है, इस जगह आपको एक कट लगाना है और एक कट लगाना है इस जगह। दोस्तों आपको हमारी कटिंग कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं, आपकी अगर कोई राय है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिसको हम जरूर पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है, और उसको फॉलो करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।